यूनिक फाउंडेशन ने मनाया वृद्धाश्रम में होली मिलन समारोह। आपको बताते चलें कि इस संस्था यूनिक फाउंडेशन के द्वारा विगत कई वर्षों से आनंद भवन वृद्धाश्रम में होली मिलन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता रहा। वृद्धाश्रम में रह रहे अनाथ लोगों के लिए यूनिक फाउंडेशन का यह अविश्वसनीय कार्य कहीं न कहीं उनके जीवन में अकेलापन और उपेक्षा के शिकार हुए ऐसे लोगों के बीच एक खुशहाली की किरण के रूप में सामने आ रही है। समाज में रहकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन संस्था यूनिक फाउंडेशन ने पूरी मेहनत और तन्मयता के साथ समय समय पर किया। आज भी यूनिक फाउंडेशन ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आनंद भवन विद्याश्रम सुल्तानपुर में अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचकर सबसे पहले वहां रह रहे वृद्ध लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनका मनोरंजन किया। उसके बाद उनके साथ संस्था के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक साथ भोजन किया। इस दौरान ऐसे अनाथ और वृद्ध लोगों के चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर देखने को मिली। वास्तव में अगर कहा जाए तो सच्ची समाज सेवा और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना, उनके ज़रूरतों को पूरा करना, समय समय पर गरीब असहाय अनाथ लोगों के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था करना, साथ ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जागरूक करना ही यूनिक फाउंडेशन का एक अविश्वसनीय कार्य है। अपने इसी सामाजिक कार्यों के लिए यूनिक फाउंडेशन को कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। इस होली मिलन समारोह में मुख्य रूप से संस्था की तरफ से डॉक्टर अनूप मिश्रा, सदगुरु होम्योहाल और फाउंडर यूनिक फाउंडेशन अनुज एडवोकेट आदि लोग उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 के लिए ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। आज किस तरह कार्यक्रम वृद्धाश्रम में आप द्वारा किया गया? सबका मन था कि दिव्यांग और वृद्धाश्रम ये दोनों में से कोई एक आश्रम मिल जाए तो जीवन जीने की कला में आकर समझ में आते। उसी के चलते आज हम लोगों ने वृद्धाश्रम में एक छत के नीचे जिस कार्यक्रम को किया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट की बात रही वो नॉर्थन रेलवे मेन सीनियर का था। फाउंडेशन अकेले नहीं है, फाउंडेशन के साथ पहला ऐसा संस्थान सुल्तान पर जिसमें महिलाएँ, मैं चाहूँगा कि आप कैमरा दिखा सकते हैं कि यहाँ पर महिला शक्ति जिसे शहर जानता है और पहचानता है। बिना महिला शक्ति के बिना ये जीवन कार्य और कोई भी प्रणाली सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि हर कामयाब पुरुष के लिए महिला का हाथ होता है। इस संस्था में भी नारी अपने पूरे तन मन धन के साथ यहाँ पर लगी थी। दिन से लेकर 7 बजे से हमारा कार्यक्रम था, अभी तक हम लोगों ने पूजन कराया, सारी चीज़ें की, इस सब में भी हम लगातार अपनी संस्थाओं का और भी कार्यक्रम आज के होता है और उस सबको लेकर जो है आज यहाँ पर कार्यक्रम कर सकते हैं। वृद्धाश्रम के इस छाव में मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस पूरे जिम्मेदारी को लेकर कार्य कर रहे हैं हमारे शर्मा सर, क्योंकि यही पर उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद संस्था की तरफ से। क्या सर आपके यहाँ क्या ये पहला कार्यक्रम था वृद्धाश्रम आपका? नहीं सर, ये वृद्धाश्रम में हमारा अपनी 5वां कार्यक्रम, इससे पहले हम लोगों ने भोजन को लेकर भी कार्य किया है और जन्मदिन भी बहुत से लोगों को यहाँ पर मनाया गया है और परिवार के साथ मिला मिला के हम लोग, क्योंकि दोस्त प्यार जिंदगी है या नहीं है इसका गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आशीर्वाद से ही या माता पिता का आशीर्वाद घर पर है तो हम अच्छे अच्छे एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं, छूकर निकल सकते हैं, लेकिन जान नहीं होगा क्योंकि वो सबसे बड़ी बात होता है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपने जन्मदिन भी मनाया है और ऐसे कार्यक्रम हम लोग जब तक ये तन हमारे अंदर प्राण है तब तक आशा और विश्वास है कि इस परिवार से हम जुड़े रहेंगे और जो भी मदद हो पाएगी उनकी संस्था की और संस्था की टीम की तरफ से यहाँ पर